हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल अपन यहाँ तक पहुँच गए थे अपनी इक्वेशन 7 के अंदर, ठीक है। कल कहाँ तक पहुँचे थे अपन? इक्वेशन 7 के अंदर पहुँच गए थे। हाँ जी, थोड़ा सा फ्लस आ रहा है देखो सामने से, पर इतना भी नहीं है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा है। वैसे फ्लस के अंदर भी ये वाली वैल्यू आप लोगों को दिखाई दे रही है, क्या करें, अब इस फ्लस का ये तो आएगा ही। कर लेना, दिख रहा है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो तो बोल देना मेरे को पहले ही, रिकॉर्डिंग करने से पहले ही, या फिर आज या कल में ही बोल देना मेरे को ज़रूर कि हाँ हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये नहीं है, जो भी है। पर बच्चों जी दिख रहा है यहाँ पे, देख लेना आप लोग, ठीक है। हाँ जी, ये अपन ने क्या निकाल ली, इक्वेशन 7 निकाल ली, ठीक है। अक्ष साई डेल स्क्वायर साई डी वी इक्वल अपनी ये वैल्यू आई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने फाई अदिश राशि और ए सदिश राशि ली, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे फाई इक्वल अक्ष साई माना और ए वेक्टर इक्वल क्या किया, ए डेल साई स्टार किया था, ठीक है। फिर से यही वाली टर्म करेंगे अपन, वही फाई अदिश राशि लेंगे और ए सदिश राशि लेंगे, पर फाई और ए वेक्टर की वैल्यू चेंज कर देंगे अपन, ठीक है। तो देखो वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे फाई इक्वल लिख देंगे अपन साई स्टार, और ए वेक्टर इक्वल क्या लिख देंगे, ए वेक्टर इक्वल लिख देंगे डेल डेल अक्ष साई, ठीक है। फिर से इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, कर देते हैं जी इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट। मैंने लिखी नहीं है वैसे, बीच में इक्वेशन लिखनी है कौन सी, ये वाली, उसके बाद अपन मानेंगे यहाँ पे, पर मैंने पहले ही मान दिया, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलो ये वाली वैल्यू अपन इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो अपने पास देखो क्या आता है, डेल डॉट फाई की वैल्यू कितनी है साई स्टार, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे डेल अक्ष साई, ठीक है। हाँ जी, इक्वल डेल इसकी वैल्यू कितनी है साई स्टार है, ठीक है। डॉट ए की वैल्यू कितनी है डेल अक्ष साई, प्लस फाई की वैल्यू कितनी है साई स्टार, डेल डॉट ए की वैल्यू कितनी है डेल अक्ष साई, ठीक है। कुछ नहीं किया है, ओनली वैल्यू पुट की है अपन ने, ओके जी। अब अपन क्या कर लेते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल डॉट साई स्टार डेल एक्स साई डेल साई स्टार डॉट डेल अक्ष साई प्लस साई स्टार, इसको मल्टीप्लाई कर दो, डेल स्क्वायर अक्ष साई डेल स्क्वायर अक्ष साई डी, इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 8, ठीक है। अब इसका भी क्या करेंगे अपन, अब इसका भी क्या कर देंगे, दोनों तरफ आयतन समाकलन कर देंगे, ठीक है। अगर इसका भी दोनों तरफ आयतन समाकलन करेंगे तो उसी पृष्ठीय क्षेत्रफल रखेंगे इसके, इसको किसके, देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस है, अगर आयतन समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वी, और इसका करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डी वी, और इसको गाउस अकॉर्डिंग टू गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम पृष्ठीय क्षेत्रफल के इक्वल में रखेगा, वहाँ पे संपूर्ण आकाश में क्षेत्रफल लिया जाता है तो तरंग फलन का मान कितना होता है शून्य होता है, तरंग फलन का मान शून्य होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल शून्य होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल शून्य होगा तो ये डाइवर्जेंस वाली टर्म क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी, पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो अपने पास क्या बचेगा देखो लास्ट में, इसको इक्वेशन बोल देना आप एक बार 8, ठीक है।
तो देखो लास्ट में इक्वेशन देखते हैं कि अपने पास कौन सी बचती है जी, हटा दो इनको, सब को हटा दो। क्लियर है भाई? यहाँ पे डेरिवेशन काफी बड़ा है, ध्यान से समझ लेना। चलो जी ठीक है, इस वाली टर्म को जीरो कर देते हैं और बाकी की ये वाली टर्म लिख देंगे अपन। देखो अभी लिख देते हैं इसको, कौन सी टर्म आएगी? साई स्टार डेल स्क्वायर साई अक्ष साई डीवी इक्वल माइनस डेल अक्ष साई साई स्टार सॉरी डॉट डेल साई स्टार डीवी। ठीक है, ये इक्वेशन कब आई? जब आयतन समाकलन को जीरो किया और वहां पे उसकी जीरो वैल्यू रखी तब जाके आई। ओके जी, क्लियर है ये वाली बात अपने? अब क्या कर दो? हाँ जी, अब देखो इक्वेशन आठ व इक्वेशन नौ सॉरी इक्वेशन सात व इक्वेशन नौ, सात मैंने हटाती है, देख लेना आप लोग उसके अंदर। इक्वेशन सात व इक्वेशन आठ का आरएचएस समान है तो एलएचएस भी क्या होंगे? समान होंगे। क्या है? अगर एलएचएस समान है सॉरी आरएचएस समान है तो एलएचएस भी क्या होंगे? समान होंगे। देखो एक बार अपन इक्वेशन सेवन लिख लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। अक्ष साई डेल स्क्वायर साई स्टार डी वी इक्वल माइनस डेल अक्ष साई डेल साई स्टार डी वी। ठीक है, ये क्या थी अपनी इक्वेशन सेवन थी। ठीक है जी, हाँ जी, अब ये इक्वेशन अपनी सेवन थी और इससे जस्ट ऊपर अपने पास क्या है? इक्वेशन नाइन है। तो क्या कर देंगे? इक्वेशन सेवन व इक्वेशन नाइन आरएचएस समान है तो एलएचएस भी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, तो क्या करोगे? अक्ष साई डेल स्क्वायर साई अक्ष साई डेल स्क्वायर साई स्टार डी वी इक्वल क्या आ जाएगा? देखो अक्स साई डेल स्क्वायर साई स्टार डी वी इक्वल साई स्टार डेल स्क्वायर साई स्टार डेल स्क्वायर अक्ष साई डी वी। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। चल देखो जी क्या किया अपन ने यहाँ पे, इक्वेशन सात व इक्वेशन आठ के एलएचएस समान है सॉरी आरएचएस समान है तो एलएचएस भी क्या होने चाहिए? इनके समान होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने इस वाले इक्वेशन को कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया साई स्टार डेल स्क्वायर और इसको एक्स साई डी वी। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन पाँच, इक्वेशन पाँच के अंदर देखो कहीं पे आप लोगों के पास डेल स्क्वायर साई और एक्स साई डी वी है। ठीक है, इक्वेशन पाँच के अंदर आप लोग क्या कर दोगे? ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपने पास देखो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फाइव।
इक्वेशन फाइव क्या थी अपने पास, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल एच कट अपॉन टू एम आई डेल स्क्वायर शाई स्टार अक्ष शाई माइनस साई स्टार अक्ष डेल स्क्वायर साई डी वी, यही थी। अब देखो समीकरण 10 से क्या कर देंगे, यहाँ पे मान रख देते हैं, ठीक है, क्या कर दें मान रख देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो एच कट अपॉन टू एम आई, ठीक है, ये वाली वैल्यू है तो इसकी जगह क्या पुट कर दें, ये वाले पुट कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, साई स्टार डेल स्क्वायर अक्ष साई, ठीक है, ओके, माइनस साई स्टार अक्ष डेल स्क्वायर साई डी वी, ओके। अब क्या कर देंगे, यहां से एच कट अपॉन टू एम आई, ठीक है, यहां से इस साई स्टार को इन दोनों में से क्या कर लो, बाहर निकाल लो, तो लो जी साई स्टार को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, डेल स्क्वायर अक्ष साई माइनस साई स्टार, तो अच्छा बाहर आ ही गया अक्ष डेल स्क्वायर साई, ठीक है, ये बचा अपना। अब अपन क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देखो, एच कट अपॉन टू एम आई साई स्टार, हाँ जी, डेल स्क्वायर को डेल डॉट डेल लिख सकते हैं, लिख सकते हो डेल डॉट डेल अक्ष साई, ठीक है, माइनस इसको यूं का यूं छोड़ दो, ये लो, ठीक है। अब करते हैं अपन इसका सल्यूशन, देखो जी ये जो इक्वेशन है इसका अपन क्या कर देंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं, देखो डी अपॉन डी टी इक्वल एच कट अपॉन टू एम आई साई स्टार, ये जो डेल डॉट है इसका मतलब क्या होता है कि इसके साथ डेल डॉट है मतलब अवकलन करना, ठीक है, ये जो डेल डॉट है इसका मतलब क्या होता है, अवकलन करना, डेल एक्स का ये जो डेल एक्स है या फिर अवकलन करना है, किसका, डेल एक्स का, अगर एक्स का एक बार अवकलन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वन, किसके सापेक्ष, इस डेल डॉट के डॉट के सापेक्ष, अगर इस अवकलन का आप इस एक्स का अवकलन अगर एक बार कर दिया तो क्या आएगा, वन, और अगर इसका दो बार अवकलन कर दिया आप लोगों ने डेल डॉट के सापेक्ष, अगर अक्ष का दो बार अवकलन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और डेल डॉट का मतलब क्या होता है, अवकलन करना डेल एक्स का, ठीक है, आ जाओ जी। अब अपन बात करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो अवकलन कर देते हैं, डेल डॉट, ठीक है, इसका करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये डेल एक्स कर दो, एक बार अवकलन कर रहे हैं ना तो वन लिखो चाहे एक्स लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, डेल डॉट डेल एक्स, और ये क्या होगा, इसको यूं का यूं छोड़ दो, छोड़ दिया, ठीक है, हाँ जी।
अब प्लस, ठीक है, या फिर एक बार यूँ देख लो, इसको इसके साथ रख दिया और उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको छोड़ दो और इसको इसके साथ लिख दो। कहने का मतलब अक्ष को छोड़ दो और इसको इसके साथ साथ लिख दो। ये लो, कुछ नहीं किया है, माइनस अक्ष डेल स्क्वायर शाई डी वी। क्लियर है यहाँ तक? देखो, इसको यूं का यूं छोड़ दिया, ठीक है। इस डेल को एक बार अक्ष के सापेक्ष रख दिया और शाई को छोड़ दिया, ठीक है। अब इस अक्ष को छोड़ दिया, इस डेल को साई के सापेक्ष लिख दिया, और बाद वाली संख्या है जो उसको अपन ने यूं का यूं लिख दिया। क्लियर है जी यहाँ तक? चलो जी, अब अपन करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। देखो, एक छोटी सी टर्म और है, वो अपन नीचे ही कर लेते हैं। एच कट अपॉन टू एम आई गुणा साई स्टार यू का यू है। अब क्या करेंगे, डेल डेल एक्स यू का यू है, डेल साई के साथ लिख देंगे। चलो, क्या कर देते हैं, इस डेल एक्स को एक बार यू लिख के और एक बार इसको इसके सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। कर दें, कर दो, तो डेल एक्स, ठीक है, डॉट डेल साई, इसको छोड़ा ना अपन ने और इसके सापेक्ष किया। अब क्या करेंगे, इसके सापेक्ष करेंगे और इसको छोड़ देंगे। तो देखो क्या कर देंगे, पर अगर इसके सापेक्ष दोबारा कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसको यूं का यूं ही, इसके सापेक्ष ही करके यूं का यूं ही लिख दो, तो क्या हो जाएगा, डेल अक्ष डॉट डेल साई। ध्यान से सुनना ये वाली टर्म, इसको यूं का यूं लिख दिया, इसके सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसके सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिख दिया और इसको इसके सापेक्ष लिख दिया, या फिर एक चीज़ यूँ कर लेना, इसको ये जो अक्ष है इसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके लिख देना डेल अक्ष डॉट, और ये डेल साई को इसके साथ फिक्स कर देना, ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएशन मत करना, वरना ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्ष की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अपना साथ साथ क्या चल रहा है, माइनस अक्ष डेल स्क्वायर शाई डी वी। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो, अच्छा जी हाँ, इसको तो रिप्लेस करके नहीं लिखा ना अपन ने, हाँ जी, अब इसको लिख देते हैं। सॉरी, ये भी तो है ना साथ में, ये क्या है, अक्ष डेल साई है, अक्ष डेल डॉट डेल साई, ठीक है। इस अक्ष को एक बार इसके साथ ले आए, डेल डॉट को और एक बार इसके साथ ले आए, लिख दिया, ठीक है। अब क्या चल रहा है, माइनस अक्ष डेल स्क्वायर साई डी वी, ये कितना हो गया, टू डेल एक्स डॉट डेल साई, टू हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो कैसे लिख दो इसको, हाँ जी, एच कट अपॉन टू एम आई, इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा अपना साई स्टार, अपने साथ साथ चल रहा है, चलो जी, ठीक है, इसको जोड़ो, टू डेल एक्स डेल साई, टू डेल एक्स डेल साई, ठीक है। और माइनस में क्या चल रहा है अपने साथ, या इसको ऐसे कर दो, एक्स डेल स्क्वायर साई लिख सकते हैं ना, इसको लिख दो एक्स डेल स्क्वायर साई। देखो, इस वाली टर्म को कैसे लिख दिया, एक्स डेल स्क्वायर साई, और माइनस में एक्स डेल स्क्वायर साई और डी वी, ठीक है। बहुत बड़ा डेरिवेशन है इसका। चलो जी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा, देखो, डी अक्ष अपॉन डी टी इक्वल एच कट अपॉन टू एम आई साई स्टार, यही बचा, टू डेल एक्स डेल एक्स डॉट डेल साई और
डीप। ठीक है जी, अब आप लोग जानते हो क्या डेल साई, सॉरी डेल एक्स डॉट डेल साई क्या होता है, इनके वैल्यू आप लोग जानते हो क्या? इसे लिख दें इसको डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड की कैप। लिख सकते हैं, लिख सकते हो। अब हाँ जी, ये किसकी वैल्यू थी? इस अक्ष की वैल्यू थी, तो यहाँ पे क्या कर दो अक्ष। अब इसकी वैल्यू लिख दो किसकी? डेल की। कैसे? हाँ भाई, ये इसकी ऐसे था, ये लो डेल साई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल साई अपॉन डेल जेड के कैप। ऐसे है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया अपन ने यहाँ पे। अब क्या करते हैं देखो, अगर अपन यहाँ पे अक्ष की ही बात कर रहे हैं, या आप लोग एक चीज़ मान के चलो कि अगर अक्ष डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मान लो अपन ये बोल दे कि ये कोई पेन है, ये अक्ष डायरेक्शन में गति कर रहा है, अगर ये अक्ष डायरेक्शन में गति कर रहा है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ओनली वहाँ पे कौन सा काम करेगा? एक्स एक्सिस काम करेगी। तो क्या यहाँ पे एक्स एक्सिस काम करेगी और ये नॉट इक्वल अक्ष, नॉट इक्वल अक्ष? ठीक है, तो यहाँ पे ओनली कौन सी इक्वेशन आएगी? डेल अक्ष अपॉन डेल एक्स। तो देखो यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल एक्स आएगी, क्यों? क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है। तो क्या आ जाएगा? डॉट डेल साई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल साई अपॉन डेल जेड के कैप। क्लियर है जी यहाँ तक? चलो जी, अब क्या हो जाएगा अपने पास? देखो डेल एक्स डॉट डेल साई की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या बचा यहाँ पे अपने पास? डेल साई अपॉन डेल एक्स, ये भी क्या कर रहा है? अरे भाई एक्स की बात कर रहे, तो बस यहाँ पे भी क्या बचेगा? ओनली एक्स ही बचेगा। तो क्या आ जाएगा? प्लस जीरो इक्वल, ये तो कट गया ना, तो फिर क्या हुआ? ये तो पूरी टर्म ही कैंसिल हो गई, तो क्या बचा अपने पास? डेल साई अपॉन डेल एक्स बच गया। ठीक है, कहने का मतलब डेल एक्स डॉट डेल वाई इक्वल अपने पास क्या आया यहाँ पे? सॉरी डेल साई इक्वल क्या आया अपने यहाँ पे? डेल साई अपॉन डेल एक्स आ गया। अब अपन ये वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, रख दें, रख दो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल एच कट अपॉन टू एम आई साई स्टार। इसकी जगह क्या वैल्यू आई? ये वैल्यू आई, पुट कर दे तो क्या आ जाएगा? डेल साई, टू भी है साथ में, टू चल रहा है, डेल साई अपॉन डेल एक्स। इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, हो गया। तो अपने पास क्या बचा फिर? देखो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल, अब ये आयोटा जो नीचे है इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो कर दो माइनस का आयोटा एच कट अपॉन एम। ध्यान से सुनना, ये जो आयोटा है ये अपने पास नीचे है, अगर अपन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस आयोटा एच कट अपॉन एम। ठीक है, फिर क्या चल रहा है अपने साथ? देखो साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स डी वी। हाँ जी भाई, सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है। चलो जी, अब अपन बात करते हैं आगे क्या करेंगे। एच कट अपॉन वन अपॉन एम, वन अपॉन एम, इसको माइनस आयोटा एच कट को क्या कर लो? अंदर लेके चले जाओ, देखते हैं अंदर अपना क्या बचता है।
साई स्टार, ठीक है। क्या बचेगा? साई स्टार। इस माइनस आयोटा एच कट को इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और इस साई को भी बाहर निकाल दो, और साथ क्या चल रहा है? टीवी। क्या आप लोग जानते हो माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स किसकी वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है कि नहीं होती है? आप लोगों को लिखवाया था मैंने माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, होती है ना? होती है। तो वैल्यू पुट कर दो, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल वन अपॉन एम साई स्टार पी एक्स साई टी वी, ठीक है जी। अब देखो इसका एवरेज ले लेंगे अपन, किसका? पी एक्स का। तो अपने पास क्या आ जाएगा ये यहाँ पे, या फिर चूंकि पी एक्स एवरेज इक्वल साई स्टार पी एक्स साई डी वी, तो यहाँ पे क्या पुट कर दें? डी अपॉन डी एक्स डी टी इक्वल पी एक्स अपॉन एम, ये लो। एक ऊपर वाली इक्वेशन देखो और एक नीचे वाली इक्वेशन देखो, यही अपने को क्या करना था? प्रूव करना था भाई। करना था कि नहीं करना था? करना था। अगर इसके ये देखो ध्यान से, अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से पूछ सकते हो, नो डाउट, ठीक है जी। और अगर समझ में आ गया हो तो याद कर लेना, ये नहीं है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बिल्कुल एग्ज़ाम में आएगा। और इतना का बड़े इतना बड़ा का बड़ा करके आना है आप लोगों को, ठीक है जी। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।